अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 22 टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अहम रहनुमा शेरी मज़ारी और फैजुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैजुल हसन ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर मुल्क के 24 करोड़ आवाम दुखी हैं, इस पर मैं भी बड़ा दुखी हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं मैसेज में इमरान खान को एक बात समझाई, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, हम मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाएं, रियासत और इदारों से टकराना सासदानों का काम नहीं होता। मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया कि सियासत में तशद्दुद नहीं होता। उनका कहना था कि इसी वजह से पार्टी में खड्डे लाइन था, जमान पार्क में दाखिला भी बंद था। सारे लीडर गवाही देंगे कि मैंने इमरान खान को समझाया था। रिहाई के बाद खानदान से पूछा कि इमरान खान ने मेरे लिए ट्वीट किया तो बताया गया कि नहीं किया। इमरान खान को सभी याद रहे, जब मेरा घर तबाह हुआ तो मैं याद नहीं रहा। उन्होंने बताया कि जूम मीटिंग में तर्जमानों से कहा जाता कि फौज मुखालिफ बयान तैयार किया जाए। 1 मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई, फौजी दफातर के तरफ रुख करें। 6 मई को इमरान खान के हुक्म पर कचहरी चौक पर रैली रखी गई। वासिक कयूम और उमर तनवीर के अलावा रहनुमाओं को रजामंद किया गया। उनका कहना था कि 14 मई को जूम मीटिंग में भी बैरूनी एजेंट के परवान चढ़ाने की कोशिश की। 70 अमेरिकी कांग्रेस अरकान का लॉबी करने का मालूम हुआ तो धचका लगा। फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। फयाज चौहान ने ऐलान किया कि सांसद नहीं सिर्फ PTI छोड़ रहा हूँ। इससे कबल श्री मजारी ने भी कहा, अब मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ।